वेलकम एवरीवन। आज हम मेरे संग की औरतें इस पाठ का और यहाँ पर पढ़ रहे हैं समरी। तो आज शुरू करते हैं इस पाठ की समरी। लेखिका की माँ का विवाह होने से पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो चुकी थी, यानी लेखिका की जो नानी थी वो लेखिका ने कभी भी देखी नहीं थी, यानी उन्हें नानी से कहानी सुनने का सौभाग्य कभी भी नहीं मिला था। लेकिन वह नानी की कहानियाँ सुनती थी और बाद में उसे अपनी माँ से ये कहानियाँ सुन करके उनकी जानकारी हुई। लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उनकी नानी एक पुराने तरीके की अनपढ़ सी और पर्दा करने वाली महिला थी और उनके नाना जी जो थे उन्हें छोड़ करके वकालत पढ़ने विदेश चले गए थे। वहाँ से पढ़कर जब वो लौटे तो लेखिका के नाना पर विदेशी रहन सहन का ढंग दिखने लगा, यानी कि जब भारत से बाहर कोई जाता था तो मुश्किल से ही वो भारतीय रहन सहन रख पाता था और ज़्यादातर उस पर विशेषकर बाहर का प्रभाव आ जाता था, लेकिन लेखिका की नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर वह कहती है कि जब कम उम्र में नानी ने स्वयं को मृत्यु के नज़दीक पाया तो उसकी 15 वर्षीय इकलौती पुत्री यानी लेखिका की माँ जो थी उनकी शादी की चिंता उन्हें डराने लगी और इसी कारण से वह पहले से ज़्यादा बोलने लगी और उन्होंने नाना जी से कहा कि अपने दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलें। नाना ने बिना किसी सवाल जवाब के दोस्त को लाकर नानी के सामने खड़ा कर दिया। तो उन्होंने कहा, आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, यानी लड़का आप ढूंढेंगे, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का विवाह किसी साहब से हो। आप अपने जैसा आज़ादी का कोई सिपाही ढूंढ करके उसकी शादी करवा दीजिएगा। फिर वह बताती हैं लेखिका क्या कहती है कि नानी की मर्जी के अनुसार ही मेरी माँ की शादी एक पढ़े लिखे लड़के यानी मेरे पिताजी के साथ हो गई, जिन्हें बाद में स्वतंत्रता आंदोलन यानी आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रहने के लिए IAS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। यहाँ पर यह बात किसकी चल रही है, लेखिका के पिताजी की बात चल रही है। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि मेरी माँ नानी और गांधी जी की तरह ही सदाई सादा और उच्च विचार रखने वाले जीवन जीने की उन्हें आदत हो गई थी, उच्च विचार में रहने की। नाना पक्के साहब माने जाते थे, उनका नाम सिर्फ हिंदुस्तानी था, बाकी हर काम में वो अंग्रेज़ों जैसे दिखाई देते थे। लेखिका बताती है कि मज़े की बात यह है कि गांधी नेहरू पर मेरे पिताजी के घर वाले हों या फिर आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही क्यों ना हो, सभी अंग्रेज़ों के बड़े प्रशंसक थे, यानी घर के जितने भी लोग थे सभी अंग्रेज़ों की प्रशंसा किया करते थे। माँ बताती हैं कि मैंने कभी उन्हें भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न कभी वह हमें लाड़ प्यार करती थी, न कभी खाना बनाती थी, न ही कभी अच्छी बहू होने की सीख उन्होंने दी। उनका अधिकांश समय क्या करने में गुजरता था कि वो लोग बुक्स पढ़ती रहती थी, हर समय बुक्स पढ़ा करती थी, बिस्तर पर लेटे लेटे बुक्स पढ़ती थी और घर के सब काम पिताजी कर लिया करते थे। लेखिका कहती हैं कि छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए हर व्यक्ति को अपना पर्सनल काम करने की छूट थी और यही फ़ायदा उठा करके हम तीनों बहनें और एक छोटा भाई लेखन को समर्पित हो गए, यानी कि राइटर बन गए। लेखिका आगे कहती हैं कि जब मैं पैदा हुई उससे पहले मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर के मन्नत मांगी कि मेरी बहू का पहला बच्चा लड़की के रूप में हो, और वैसे घर में पहला बच्चा हर बहू के लड़का ही होता रहता था, लेकिन परदादी की मन्नत भी भगवान ने ऐसी सुनी कि एक के बाद एक 5 बेटियों ने जन्म लिया, यानी कि लेखिका की 4 और बहनें हैं। लेखिका माँ जी और चोर के बारे में बताती हैं कि उनके सामने अच्छे बड़े नामी चोर भी फंस जाया करते थे। एक बार एक चोर आ गया और उसकी माँ जी ने ऐसी खबर ली कि बेचारा किसी लायक ही नहीं रह गया। तब से उसने चोरी का बिजनेस छोड़ दिया और खेती किसानी में लग गया। लेखिका ने बाद में जब देखा उस चोर को देखा तो वह भला मानस सीधा साधा बूढ़ा लगा। और जब भारत की आज़ादी हुई 15 अगस्त सन 1947 में, तब लेखिका बीमार थी, वह उस समय 9 साल की बच्ची थी, और जब वह रोने लगी तो उसे इंडिया गेट पर ले जाकर के आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं होने दिया गया।
बहुत रोई वो, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया। लेखिका और उसके पिताजी के अलावा घर के सभी लोग बाहर जा चुके थे। लेखिका कहती हैं कि माँ जी की मन्नत का बड़ा प्रभाव रहा कि कभी भी बहनों में हीन भावना नहीं आई। और यहाँ पर कहती हैं कि मैं दूसरे नंबर थी और मेरे घर का नाम उमा था। मुझसे छोटी बहन का नाम गोरी था, जिसे बाहर में सब चित्रा के नाम से जाना करते थे। फिर कहती है कि विवाह के पश्चात मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे जिसका नाम डालमिया नगर था वहाँ रही, जहाँ एक अजीब सी बात थी कि मर्द औरतें फिर चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग जगहों पर बैठते। इस तरह से वो अपने बचपन की और साथ की बात तक की सभी बातें इस पाठ में बताती है। फिर वह कहती है कि बाद में मैं कर्नाटक चली आई थी, तब तक मेरे दो बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने की उम्र में पहुंच रहे थे, पर लेखिका कहती है कि वहाँ कोई बढ़िया स्कूल नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना एक स्कूल खोल लिया। फिर वह कहती है कि मेरे बच्चे और दूसरे अफसरों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े थे, बाद में दूसरे अच्छे स्कूलों में प्रवेश भी पा गए थे। ऐसे बहुत से अवसर आए जब लेखिका अपने जुझारू और जिद्दीपन के नमूने पेश करती रही, परंतु वह सबसे ज़्यादा ख्याति उसने जो हासिल की वह थी उसकी लेखन कला में। यह था पाठ का बहुत ही संक्षिप्त सार। अगर आपको इसकी विस्तृत व्याख्या देखनी है तो आप दूसरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।